गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी कि SCF, ठीक है, SCF जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमारा आता है कि एक्सरसाइज 8.2 का मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि SCF क्या होता है। तो SCF का क्या मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको इससे पहले फैक्टर बताए थे कि कैसे फैक्टर निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई दो नंबर दे देगा और बोलेगा दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो हम दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों में सेम होगा उसको हम निकाल लेंगे, जैसे कि हम प्राइम नंबर में बताए थे। तो दोनों को हम जब कॉमन कर लेंगे उसमें जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी SCF होता है। तो आज हम यही फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि दो मेथड होता है इसमें, एक डिवीजन मेथड और एक ट्री मेथड। तो बोला है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बाय डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड, यानी दोनों मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है जो मेरा वो है 60। तो 60 को हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। वो डिवीजन मेथड से आप, ठीक है, 2 के टेबल में हमेशा लिस्ट काउंट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के टेबल में 60 आता है कितने टाइम्स में, 2 3 6, 0 को ऐसे ही उतार दूं, फिर 2 1 2, ये 1 इसको दे दिया तो 10, 2 5 10, नाउ 3 5 15 एंड 5 1 5, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये जो आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे इसको आप ऐसे ही लिखोगे, जैसे 60 को आंसर जब लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे 2 × 2 × 3 × 5, ये आपका कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला डिवीजन मेथड से। अब आते हैं हम ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है 2 4 8, तो ट्री मेथड ऐसे, सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, देन 2 यहाँ लिखेंगे, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। फिर देखिए ये 124 भी आएगा 2 के टेबल में, फिर से 2 लिखेंगे और यहाँ कितने टाइम्स में आएगा ये लिखेंगे 2 6, कितने टाइम्स में आएगा ये 2 6 12, 2 2 4, फिर 62 भी आएगा 2 के टेबल में, नाउ 2 और यहाँ क्या आएगा 2 3 6, 2 1 2। अब देखो 31 किसी में आएगा, 31 नहीं आएगा, देन 31 को हम क्या करेंगे सेम एस इसी तरह छोड़ देंगे। सो इसको ये इसी तरह यहाँ छोड़ देंगे, ये ट्री मेथड से हो गया। इसका भी आंसर आप क्या क्या लिखोगे, 2 लिखोगे एंड 31 लास्ट में। तो इसको लिखोगे कैसे, 2 4 8 इज इक्वल्स टू में 2 × 2 × 2 × 31, दिस इज द आंसर, ठीक है। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, एक डिवीजन मेथड से और एक है ट्री मेथड से, ठीक। नाउ अब हम कर रहे हैं फाइंड SCF ऑफ 12 और 18, फाइंड करना है SCF 12 और 18 का। तो नाउ 12 का पहले निकालेंगे और 18 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 खुद होगा ही, 2 होगा 2, देन 3 होगा, 4 भी होगा, 12 होता है, 5 नहीं होगा तो 6 होगा, 6 के टेबल में भी आता है, और कौन सा होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, डायरेक्टली 12 होगा, ये हो गया। 18 का 1 2 3, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 9 आता है, और फिर उसके बाद डायरेक्टली 18 ही आएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, हमने बताया था, ये देखो 1 है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है बस, और यहाँ 6 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर मिले मुझे, कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, 1 2 3 6, 4 कॉमन फैक्टर मिले, जिसमें से मुझे सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, बिकॉज बोल रहा है SCF फाइंड करना है। तो SCF मतलब अभी हम बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें 1 बड़ा है या 2 बड़ा है या 3 या 6, नाउ 6, तो ये 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 6,
सो नेक्स्ट है आपका 8 एंड 12। 8 एंड 12 का भी ऐसे ही सेम ऐस करिए, 8 और 12 का भी निकालिए, 2। इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी डिविजन मेथड से सबको ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आपका फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 7 नहीं, डायरेक्टली 8 आएगा। नाउ 2, 3, 12 का भी हम निकाले थे ना, 4 एंड 6 एंड 12, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 तो सब में रहता है, 1 तो निकलेगा ही, 2 और क्या है, 4, ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 4, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपका बोला है फाइंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना है 8 और 12 को, तो आप पहले 8 का डिवीजन मेथड से निकालोगे और 12 का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, फिर यहाँ 2 6 जा एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का और 12 का जब हमने निकाला डिवीजन मेथड से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नहीं 12 का निकाला जो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन ये और ये कितने आ गए हैं इसके, यानी 8 और 12 के जो हम, जब आपका क्वेश्चन ये होगा फाइंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब आप ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं करोगे, जब एचसीएफ बस बोलेगा तो फाइंड करोगे, जब बोल देगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तब आप ये वाला मेथड लगा के दोनों का अलग अलग निकाल के फिर कॉमन फैक्टर निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी आंसर 4, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब एक